लगातार जानकारी। देश की बेटी को कहीं ना कहीं इंसाफ मिल चुका है, आप देखिए कितना। जिस कोठरी भट्टी कांड में बड़ा फैसला आ चुका है, दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। कोठरी भट्टी कांड बड़ा अपडेट सामने आया कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी अपडेट देखकर न्यूज 18 राजस्थान पर है कि फांसी की सजा, देखिए फांसी की सजा सुना दी गई है। देखिए जो लोग हैं जिनका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। देखिए थोड़ी देर में जो पीपी है माधुरी कृष्ण रावत वो बाहर आएंगे, उनका इंतजार किया जा रहा है और जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो फांसी की सजा है वो दे दी गई है, इसी का इंतजार था, परिजन मांग कर रहे थे। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बात करते हुए माँ बाप ने भी यही कहा था कि हम केवल और केवल फांसी की सजा की मांग करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं जो न्याय है वो दे दिया गया है, जो बेटी के जो न्याय है वो दे दिया गया है, देश की बेटी के लिए जो न्याय है वो दे दिया गया है। अब हम इंतजार करेंगे जो सरकारी पीपी है महावीर कृष्णावत वो कहीं ना कहीं जो भी बाहर आएंगे उनसे पूरी बात करेंगे क्या रहा। पर सबसे बड़ी अपडेट यही है न्यूज 18 राजस्थान पर, सबसे बड़ी अपडेट देखिए कहीं ना कहीं जो इस फैसले का था आज से 10 महीने से सबको इंतजार था, लगातार परिवारजन परिजन जो आम जनता की आवाज थी वो कैपिटल पनिशमेंट की थी, जो कैपिटल पनिशमेंट अब दे दिया गया है। देखिए मैं फिर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा है और जो फैसले का इंतजार था वो खत्म हो चुका है। अब इंतजार है केवल जो स्पेशल पीपी है महावीर कृष्णावत उनका इंतजार किया जा रहा है ताकि वह बाहर सके, जो मीडिया है उनसे बातचीत कर सके। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी अपडेट है वो सामने आ रही है और लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों को इससे रूबरू करवा रहा है। और अगस्त 2023 में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, फांसी की सजा कालू और काना दोनों को सुना दी गई है, ये बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बताते हैं। जी हां, ये गुनहगार फांसी की सजा के हकदार, ये फैसला पॉक्सो कोर्ट 2 की तरफ से सुना दिया गया है भीलवाड़ा में। आपको बता दें कि एक महीने के अंदर पुलिस की तरफ से 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी और इस चार्जशीट में बड़े इल्जाम सामने आए थे और पुलिस ने बहुत तेजी के साथ इस केस को परस्यू करते हुए तमाम चार्जशीट में लगाए हुए आरोपों को साबित करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि जो 7 आरोपी बाकी बनाए गए थे उनको शनिवार को रिहा कर दिया गया था, उनको बरी कर दिया गया था उन पर लगे हुए आरोपों का, और वो 7 आरोपी इन्हीं दोनों दोषियों के परिवारजन थे। अब इन हालांकि कहा यह भी गया था कि इन परिवारजनों के खिलाफ